वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यूट्यूब चैनल देख रहे सारे वीर चैनल से स्वागत है। जी आप अज वीडियो लैके आए यह हैगी सैमी पटियाला शाही पग। तो जिन्हें वीर की डिमांड सी कि रूबिया वैल कपड़े के जड़ी पांच पिच वाली पग आडियो अज आप लैके आती है। रूबिया के कपड़ा तो यदि जी लेंथ हैगी छे मीटर दे भी आ जाते हैं, पर की आ कि कपड़ा रूबिया का थोड़ा भारी होंगे, यदि शेप थोड़ी जी बड़ी बनती है, तो करके अद्धा मीटर ज़्यादा लिया। तो जेकर अपना छे मीटर च लड़ घट जाता तो वह सोल्यूशन नहीं मुड़ के कोई, अगर साढ़े छे मीटर ला लेंगे जो लड़ बधूगा भी आप मूँह वाला जोड़ा लड़ा उन्हों बड़ा रख के जी अपनी पग मैनेज कर सकते हैं, वह जो लास्ट लड़ा पूरा लिया सकते हैं। पहला लड़ सिर दे सेंटर चो लिया के अख दे बिल्कुल उपरों दी अद्धी अख कवर कर लेनी, अद्धी गल दे उत्तों लिया के पहला लड़ लाउणा। ते दूसरा लड़ ते जड़ा पहला पिंच लग्या सज्जी अख दे बिल्कुल उपर लगू, वह जिवें जिवें लड़ अगे आई जाएंगे पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां, तो वो जड़ा आपां खब्बी अख ते सॉरी सज्जी अख ते जड़ा सेंटर लाया एक एक लड़ अगे आउंदा जाऊगा ते पंजवें लड़ तक बिल्कुल सेंटर दे विच आ जाऊगा। इस वीडियो दे विच वीर ने जड़े पेच ने नाल दी नाल ही 3D किते आ, जदों ही पेच लगा रहा तो हल्का हल्का उन्होंने पिंच करता जा रहा, जिद ने की आ पेचों की एक सफाई तो बहुत वधिया ढंग दे नाल आपां नूं मिल रही है। दूसरा कि जिहड़ा पिंच करदे आ ते पेच जिहड़े ने 3D हो गए ने, उस तो बाद अपना जिहड़ा अगला लड़ है पहले लड़ तो थोड़ा नीचे रखना, नीचों पतला पासा जिहड़ा पूनी दा अख तक खोलना, एक बार हल्का जिहा फोल्ड करके लड़ नूं आपां टका लेना, उस तो बाद उहनूं खिच के चंगी तरह उहदे वट कढ के ये पेंच करन दा तरीका जड़ियां बाकी वीडियो ने उन्होंने काफ़ी डिफरेंट आ, जिदा लड़ खिंचते हैं उस तो बाद ही दोबारा कल लड़ नूं फोल्ड किया जाता। ये सफाई सौखे ढंग ने मिल जाती है, क्योंकि जो आप कपड़े खिंच के दोबारा फोल्ड करते हैं एक तरह कपड़ा प्रेस हो जाता, बट ने चंगी तरह उहदे विचों निकल जांदे हैं। पेचां दी जिहड़ी सफाई है आपां कर देना है, अगला लड़ बैक साइड तो हल्का जहा होल्ड करके उन्हों जड़े दो लड़ लाए से उन्हों तो थोड़ा जहा नीचे रख लेना है, जड़ा पेचों का गैप आ उपर लिया का ज़्यादा आप नीचे तक खोल के नहीं लाने, क्योंकि जी पग की शेप आप रखनी है सैमी पटियाला शाही, तो जिदे करके अपन लड़ा बिल ज़्यादा नीचे लैके आने की लड़ नहीं हैगी। तो जो आप पटियाला शाही पग की शेप बनानी है तो सैमी पटियाला बनानी, उन्हें फर्क समझ लियो। जड़ी राइट साइड वाली
साइड है वो जो लड़ने जो पटियाला शाही पग दे पूरे खुल के नीचे तक आने उन्होंने गैप ज़्यादा होगा तो सैमी पटियाला दे बिल्कुल नेड़े नेड़े होंगे बिल्कुल जोड़े थोड़े थोड़े लड़ने वो नीचे आने तो जोड़े लैफ्ट साइड की गल करिए जोड़े पेश ने उन्हों का फर्क अगर ज़्यादा गैप उन्हों का बढ़ा देंगे वो शे जी शेप आ एक साइड तो पूरी उपर चक देंगे तो पटियाला शाही पग की शेप बनू अगर उन्होंने गैप घट रखते हैं गैप अगर तुसी मीडियम भी रखते हो ना कि घट दिखा सेंटर तो जड़ी लैफ्ट साइड नू शेप आ ज़्यादा उपर नहीं चकांगे सैमी शेप रखांगे तो सैमी पटियाला शाही पग बनी है वह कुछ वीरां नू प्रॉब्लम आती है कि जड़ी उन्हां दी लैफ्ट साइड की शेप आ वो सैमी पटियाला शाही मैनेज कर लैंदे आ पर जड़ी राइट साइड आ वो बिल्कुल नीचे तक ले आते हैं या उन्होंने तो नीचे आ जाती है तो काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं तो कि हाँ उन्हों का जोड़ा हाथ आ तो पहला पटियाला शाही टिके हों जे सज्जे पास वाले लड़ने नीचे तक खोल लेंगे तो उत्थे कि ध्यान देने की लड़ आ जो तुम लड़ लाना उपर उन्होंने हाथों ना मोड़ दौ तो उतों ध्यान रख्या करो कि वह जो गैप आ बिल्कुल घट रखो जड़ा लड़ा फिर पहला लड़ा के वागू जोड़े उपरले लड़ से उन्होंने बिल्कुल आप बराबर रख लेना है तो हाथ के नाल मोड़ के नीचे न ले आना है अगों अंगूठे लड़न अंदर मोड़ के सेंटर के लड़न रख देना है लड़न नीचे वालू खोल लेना है जोड़े बट ने सारे नीचे आ जाएंगे उस तो बाद दोबारा फोल्ड कर देना है जोड़े रूबिया पग फस्ट टाइम बन रहे हैं या बन गए या बनते हैं तो ज़्यादा बड़ी शेप आ जाती है उन्हों की तो की आ स्टार्टिंग दे विच की आ जो तुसी कपड़ा चेंज करते हो पग का तो की आ थोड़ा बहुत स्टार्टिंग दे विच अखियाई आती है जेकर फुल वैल तो रूबिया किया तो की आ शेप थोड़ी बड़ी बनूगी तो उन्हों जिमें जिमें रोज़ बनते जाओगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो उन्हें थोड़े हाथ ने बिल्कुल टिक जाना शेप वधिया बन लग जूगी दूसरी गल जेकर प्रैक्टिस दे नाल भी ज़्यादा नहीं सही हो रहा तो की आ शेप नू छोटी करन दे लई पग थोड़ी टाइट कर सकते हैं दूसरी गल पानी थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं उस तो बाद जिहड़ी पग दे नीचे आपां बेस बांधदे आ उहनू तुसीं छोटा कर सकते हो कहण तों भाव कई सोल्यूशन ने उन्हें तुसी सारिया यूज़ करके देख सकते हो अगर तुसी कपड़ा रूबिया बांधते हो तो वह तो फुल वैल किया तो उत्थे तुहानू प्रॉब्लम आऊगी थोड़ी पग की शेप नहीं बनूगी क्योंकि फुल वैल पतला होने करके रूबिया ते हाथ टिक आऊगा मोटे कपड़े ते पतला हो जूगा जब तुसी फुल वैल ट्राई करोगे तो की आ जिहड़ी शेप आ बिल्कुल छोटी जी बनू तो उत्थे की आ जिहड़ी चीज़ां रूबिया पग जो बड़ी बनती है अवॉइड कीते तुसी वो यूज़ करनिया ने तुसी सुक्की बन सकते हो वो बिल्कुल ओपोजिट करना फुल वैल नू बड़ी करन दे लई फुलमी बनाउण दे लई नीचे जिहड़ा बेस बन्निया वो थोड़ा बड़ा कर सकते हो ज़्यादा टाइट करते हो पग नू थोड़ी ढिल्ली कर सकते हो जिदा हुण तुसी देख रहे हो कि जिहड़े राइट साइड वाले लड़ने उपरले बिल्कुल बराबर बराबर लगे हुए हैं फ्रंट तो भी किया ज़्यादा उपर तक शेप जड़ी नहीं चकी हुई तो सैमी पटियाला शाही शेप इस तरीके दे नाल आजूगी जिदा हुण तुसी वीडियो दे विच जो देखिया ते जो सुनिया इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखियो।
ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੰਜ ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜ ਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਵੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ 6 ਲੜਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬੀਆ ਵੈਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਹੋਣਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।